नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपना ये विशेष बुलेटिन लेकर न्यूज एट 10। आज कई बड़ी खबरों पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में बात करेंगे और कई G20 से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से पहले भारतीय रंग में रंगा अमेरिका, लहराते तिरंगे के बीच अमेरिका की सड़कों पर सुनाई दे रहे हैं मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे। वॉशिंगटन समेत अमेरिका के 20 प्रमुख शहरों में एकता मार्च का आयोजन। दो दिवसीय भारत दौरे पर आए वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियान, राजधानी स्थित वॉर मेमोरियल में जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। ताज नगरी आगरा जाने का भी है कार्यक्रम। G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम और पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से गोवा में। बैठक का मकसद आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के स्थायी विकास को प्रोत्साहन देना। G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक का महाबलीपुरम में आज से आगाज। G20 देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि, आमंत्रित प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे शामिल। जारी है बिपरजॉय का असर, बारिश से कई राज्यों में पारा लुढ़का तो राजस्थान में कहर बनकर बरस रहे हैं बादल। कई इलाकों में भारी बारिश से भीषण तबाही, नेहरू अस्पताल में भरा पानी। मौसम विभाग ने जताई अगले 12 घंटों में चक्रवात के राजस्थान के पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना। भारत बना इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का चैंपियन, तीसरे संस्करण के फाइनल में लेबनान को हराकर दूसरी बार बना चैंपियन। कप्तान सुनील छेत्री और छंगटे ने दागे एक एक गोल। स्पेन ने यूएफा नेशंस लीग के खिताब पर जमाया कब्जा, फाइनल के पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया को 5-4 से दी शिकस्त। 11 साल बाद जीता कोई बड़ा खिताब। तो चलिए सबसे पहले खबरें देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका की राजकीय यात्रा का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और इस यात्रा को लेकर जहां कूटनीतिक स्तर पर तैयारियां पूरी हैं तो वहीं अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीय भी बेसब्री से प्रधानमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां बहुत तेज हैं। अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा के लिए उनका स्वागत करते हुए भारतीय मूल के लोगों ने वॉशिंगटन में एकता रैली आयोजित की। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर शामिल हुए लोगों से बातचीत की है हमारे डीडी न्यूज के संवाददाता अजय मिश्र ने। भारत अमेरिका यूनिटी रन की शुरुआत हो चुकी है और कुछ इंपॉर्टेंट वॉइस जो यहाँ पे खुद जो अमेरिकी भारतीय लोग रहते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितना वक्त हो गया आपको अमेरिका? हमें 25 साल हो गए। क्या डिफरेंस आपको दिखाई दिया 25 साल पहले और आज के भारत में और भारत के प्रति जो नजरिया बदला है दुनिया का? बहुत बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पहले लंबी लाइंस में लगा रहना पड़ता था, पासपोर्ट के लिए काफ़ी चेकिंग होती थी और अब काफ़ी चीज़ें काफ़ी इजी हो गई हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल भी हो गया है। वर्क प्लेस पर भी काफ़ी डिफरेंट उससे देखा जाता है। सो ओवरऑल बहुत बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। मोदी जी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और जब भी हमने देखा विदेश किसी यात्रा पे होते हैं तो जरूर मिलते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको कैसा लगता है यहाँ पे इस कम्युनिटी को देख? स्टूडेंट बन के मेरे को बहुत गर्व है कि यहाँ पे मोदी जी आते हैं, हम उनसे देख पाते हैं उनको, हम उनके लिए स्ट्रेंथ के साथ उनके लिए खड़े हो पाते हैं और बहुत गर्व लगता है हमारे भारत के लिए कि हमको भी यहाँ पे
एक आवाज़ मिलती है और दूसरों को देखना मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा कहा आपने। और आपसे थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि ये जो रन फॉर यूनिटी हो रहा है भारत अमेरिका को लेकर के, उसको लेकर के क्या व्यू है? देखिए, भारत और अमेरिका में जो यूनिटी है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, लेकिन कभी जाहिर नहीं होती सही तरीके से। लेकिन ये जिस तरह से मोदी जी ने भारत को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, आज उसका ये उदाहरण है। यहाँ पे यूनिटी देखने को मिलती है कि भारत और अमेरिका में भी यूनिटी हो सकती है। पहले हमेशा भारत और अमेरिका जो है कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते थे, आज जो है भारत और अमेरिका, क्या भारत हर दुनिया में हर कंट्री के साथ दिखाई दे रहा है। सही कहा आपने, बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर दोनों ही जो डेमोक्रेसीज हैं वो अपनी आवाज़ रखती हुई नजर आएंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे काम करते हैं? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द फीलिंग अबाउट यू नो द मोदीज विजिट टू यूएसए, फर्स्ट स्टेट विजिट ऑफ कोर्स? आई रियली फील दैट इट्स रियली आई रियली फील इट सो गुड। दिस इज माय फर्स्ट टाइम बीइंग हियर। आई फील सो हैप्पी। इट्स रियली द यूनिटी आई सी हियर। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विजिट के बारे में? पहला एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस लोकेशन पर हो सकती हूँ आज इस दिन के लिए। एज यंगर जनरेशन मुझे बहुत कनेक्टिविटी फील होती है और गर्व फील होता है कि मैं यहाँ हो सकूँ आज। बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट वॉइस जो भारतीयों की है, वो स्पेशली केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में 20 जगहों पर ये रन फॉर यूनिटी या फिर कहें आप यूनिटी डे मनाया जा रहा है भारत और अमेरिका के संबंधों को सेलिब्रेट करते हुए। और जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा जो इवेंट है या फिर जो मोदी जी की स्टेट विजिट है यूएस की, एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है भारत अमेरिका के संबंधों के लिए। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, वॉशिंगटन डीसी। और वर्ष 2023 भारत और अमेरिकी रक्षा संबंधों के लिए भी यादगार साल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि पीएम मोदी की राजकीय यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए नए मानदंड स्थापित करेगी और रक्षा और औद्योगिक सहयोग पर कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं जो भारत को मजबूत घरेलू सैन्य आधार बनाने में मदद करेंगी। वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी है। हाल के दिनों में रक्षा व्यापार, संयुक्त अभ्यास और समुद्री सुरक्षा सहित कई मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग में बड़ी वृद्धि देखी गई है। पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका की भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी है और इंडो पैसिफिक में क्वाड में बड़ा सहयोग है। अब भारत अमेरिका ने आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मई में दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर भारत अमेरिका पहल की घोषणा की थी। USIBC का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था, उसमें डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहाँ से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्टशीट्स वहाँ से निकलेंगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैनुफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी कुछ डिलेबल होगा, आप स्पेस पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, बायोटेक्नोलॉजीज, उनसे भी काफी कोऑपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की हाल की भारत यात्रा ने भारत अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों के कुछ पहलुओं को बेहतर बनाया है। 5 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन के साथ भारत अमेरिका रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक बातचीत की है। रक्षा विभाग में हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक सचिव एली रेटनर ने कहा है कि एक मजबूत भारत जो अपने स्वयं के हितों की रक्षा कर सकता है, अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है, वह अमेरिका के लिए अच्छा है। एक मजबूत भारत जो अमेरिका के सह उत्पादन और सह विकास से क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान दे सकता है, ऐसी आकांक्षा है कि भारत क्षेत्र में सुरक्षा के निर्यातक के रूप में स्थापित हो। ऐसा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि अमेरिका अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक भारत को पहुंच प्रदान करेगा। भारत चाहता है कि अमेरिका में मौजूद कठोर विधायी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाए, जिससे कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह उत्पादन, खुफिया साझाकरण के साथ साथ उद्योगों में परस्पर सहयोग स्थापित हो। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों को नया आयाम मिला है।
अमेरिका ने भारत को 2016 में एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया। भारत को 2018 में सामरिक व्यापार प्राधिकरण टीयर 1 का दर्जा मिला, जिससे भारत को सैन्य और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक लाइसेंस मुक्त पहुंच हासिल हुई। अमेरिका और भारत ने रक्षा संबंधी मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, साथ ही 2019 में दोनों देशों के बीच औद्योगिक सुरक्षा विस्तारीकरण पर भी सहमति बनी, ताकि दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ सके। दोनों देशों ने अक्टूबर 2020 में बीका बुनियादी विनिमय और सहयोग तंत्र पर हस्ताक्षर किए। मई 2023 में भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देने के साथ इंडिया यूएस एडवांस डोमेन्स डिफेंस डायलॉग का आयोजन किया। दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए इंडिया यूएस डिफेंस एक्सिलरेशन इकोसिस्टम जैसी नई पहल भी शुरू की गई। अमेरिका दावा करता है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अब भारत की स्थिति नाटो देश के समान है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को भारत के तेजस MK-2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और AMCA MKI के लिए GEF-414 INS-6 जेट इंजन प्रौद्योगिकी के पूर्ण हस्तांतरण के साथ भारत के सहयोग से विकास करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उद्योगों के बीच होने वाले सौदे को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के स्टेट विजिट पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। सभी ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश कारोबार और रक्षा क्षेत्र को लेकर के क्या बड़े समझौते करते हैं। ये समझौते ऐसे होने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को बदलने की क्षमता रखते हैं। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, DD News, Washington DC। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई भी करेंगे। इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस UN हेडक्वार्टर में मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री इसको लीड करेंगे, इस योग सत्र को। हमारे साथ बेहद खास मेहमान है यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा जी। मैडम, 21 तारीख को PM लीड करेंगे, कितना यूनिक है ये कार्यक्रम? मैं तो आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, ये बहुत ही यूनिक ओकेशन है कि हमारे प्रधानमंत्री इस योगा सेशन को लीड करेंगे। जैसे कि सब जानते हैं, अंडर हिज लीडरशिप इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया था 2014 में, और 9 साल बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ खुद आएंगे, और इतनी ब्यूटीफुल मल्टी कल्चरल सेटिंग में जहाँ सारे देश रिप्रेजेंटेड हैं विश्व के, वो योगा सेशन को लीड करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? इस पहल को किस तरीके से जो सदस्य देश हैं या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी को किस तरह से समर्थन मिला? बहुत ज़बरदस्त मिला है, और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है एक्चुअली, जब हमने इनविटेशन भेजा, न्योता भेजा, उन्होंने कहा रियली प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे, वो खुद करेंगे योगा? तो आई सेड यस, बिल्कुल वो हमें लीड करेंगे। तो लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ, और सुनने के बाद बहुत एक्साइटमेंट है, और यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, यहाँ की डेप्टी सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो मैसेज दिया है, बहुत सारे एम्बेसडर्स ने भी ट्विटर पे मैसेज किया है और करेंगे। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव कि इंडिया की स्टैंडिंग और प्रधानमंत्री की स्टैंडिंग इस समय
बहुत हाई है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि योग जो है जीरो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो वेलनेस का संदेश यूएन से जाएगा पूरी दुनिया में, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि किस तरह की स्थिति थी। बहुत बड़ा आई थिंक मैसेज है, पावरफुल मैसेज है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जो पूरी दुनिया मानती है। एंड यूएन में तो आप जानते हैं कि सारे विश्व के देश हैं, मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ, तो योग ही उनको सबको जोड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। इस बार G20 का जो थीम है, भारत जब प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम, और योग का भी थीम है कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, तो ये दोनों इंटीग्रेट करते हुए इसका क्या मैसेज है दुनिया को? आई थिंक इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत पावरफुल मैसेज है कि भारत, इंडिया इज वॉकिंग द टॉक, दैट इंडिया बिलीव्स इन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एज आवर प्राइम मिनिस्टर सेज, एंड whether we are doing it through humanitarian assistance as first responders, whether through yoga, our soft power, India is showing that human welfare, human-centric global development approach is very important as opposed to a self-centered approach. PM योग के साथ मिशन लाइफ को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी हमने देखा कि पीस कीपर के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो पहल थी कि उनके लिए मेमोरियल वॉल बनाया जाए, उसको भी बहुत ही रिकॉर्ड समर्थन से बहुत जबरदस्त समर्थन मिला है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज अ रिकॉग्निशन कि लोगों को भारत पे विश्वास है एंड इंडिया की स्टैंडिंग बहुत हाई है। तो भारत जिस तरीके से मानवता के सेवा के लिए जिस तरीके कदम उठा रहा है, मानवता की सेवा के लिए, बहुत सही कहा। और जो भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि वही सुख शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है। और ये हमने कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी बताया था कि हम वी स्टैंड फॉर पीस, और पीस भी एक साइड है, पीस डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट। तो ये भारत की स्टैंड रही है कि शांति और पीस बनी रहे और दुनिया में सुख और समृद्धि आए। और जॉर्जिया के सीनेटर शॉन स्टील ने पीएम मोदी के दौरे पर कहा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को लेकर वो पीएम मोदी का आभार जताते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय समुदाय के लोग हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। Welcome to Prime Minister Modi. Thank you for the relationship you have with our country. We love India. We love the partnership that we have with them. And the population of people from India who live in my district are such an amazing enrichment to our culture, to our economy. Thank you for representing such an amazing group of people. We appreciate you so much. Hope you have a great time. Thank you. और जॉर्जिया की प्रतिनिधि सभा के सदस्य कार्टर बैरेट ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी का दौरा सफल साबित होगा और दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। Prime Minister Modi, it is my great honor to welcome you to the United States. My name is Carter Barrett and I am a member of the Georgia General Assembly representing Georgia House District 24. In fact, I'm standing in front of Denmark High School right in the heart of our district. There are over 150,000 Indians living in Georgia, and a large percentage of those live on the north side of Atlanta. In fact, the Indian community makes up around 15% of the population of the district I represent. Over the last few years, I've made many great friends in the Indian community. As a member of the Georgia House of Representatives Higher Education Committee, I am pleased to say that there are over 6,000 Indians enrolled in Georgia universities and technical schools. And in March, I was proud to introduce this resolution in the Georgia General Assembly, recognizing the Indian community in Georgia and its many contributions to our state's economy, education system, and culture. I hope you have a wonderful and productive trip, and I am committed to doing my part to continue to nurture the excellent relationship between our two great countries. और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कनेक्टिकट के लेफ्टिनेंट गवर्नर सुसान वाइसिक्विज ने कहा है कि भारत और अमेरिका में लोकतंत्र के लिए एक साझा प्रशंसा है। उन्होंने कहा है कि ये एक विशेष अवसर है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का दौरा कर रहे हैं। On behalf of the people of Connecticut, I want to extend a very warm welcome to Prime Minister Modi on his state visit to the United States.
India and the United States have a shared appreciation for democracy. It's a special occasion as the leader of the world's largest democracy visits the world's oldest democracy. और भारत अमेरिका संबंधों ने पिछले 9 सालों में नए आयामों को छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 8वां अमेरिका दौरा होने वाला है और ऐसे में क्या है प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मायने, वॉशिंगटन से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव। व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में आज जो गर्माहट है, आज जो भरोसा है, ऐसा पहले कभी नहीं था। हालांकि भारत और अमेरिका 90 के दशक के अंत से ही एक दूसरे के करीब आने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते जो हैं उनमें कुछ ना कुछ हिचक थी, क्योंकि अमेरिका भारत को हमेशा इस तरह से देखता था कि भारत दरअसल रूस का बहुत करीबी मित्र है और भारत अमेरिका को इस तरह से देखता था कि दरअसल अमेरिका ये वो अमेरिका है जो पाकिस्तान का बहुत करीबी है। लेकिन बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच जो भी हिच थी उसको तोड़ा है। बीते 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार अमेरिका के दौरे पर आ चुके हैं। इस बार जब वो अमेरिका पहुंचेंगे तो ये उनका 8वां दौरा होगा, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत ही ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये उनका पहला राजकीय दौरा है, यानी अमेरिका ने उनको राजकीय अतिथि की तरह से अमेरिका में बुलाया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ी बात यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो वो अमरीकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी अमरीकी कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं, इसलिए यह दूसरी बार होगा जब नरेंद्र मोदी अमरीकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे और साथ साथ दुनिया के तीसरे ऐसे नेता जिनको 2 बार अमरीकी संसद को संबोधित करने का मौका मिला है। तो दरअसल भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नया आयाम दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वॉशिंगटन से कैमरामैन मोहित के साथ अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह है। अमेरिकी नागरिक भी पीएम मोदी की यात्रा से खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय मूल के लोगों और अमेरिकी नागरिकों से बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। इस वक्त हम व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं, वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं और वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में तो उनका इंतजार हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ यहां के जो भारतवंशी हैं वो भी बेसब्री से प्रधानमंत्री के इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जावेद अख्तर मलिक हैं। दरअसल जावेद अख्तर मलिक रहने वाले तो भारत के ही हैं, सूरत के, गुजरात के हैं, लेकिन बीते 50 सालों से ये यहीं अमेरिका में बसे हैं। तो जावेद अख्तर मलिक जी, आप क्योंकि अब अमेरिका के निवासी हैं लेकिन दिल आपका अभी भी भारत के लिए धड़कता है, तो भारत के प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी इस यात्रा को? हम इनकी यात्रा को बहुत अच्छी से देखते हैं। वी आर वेरी वेलकमिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। We are welcoming him with the open arms. He has done extraordinary work for the Indian people, and he has moved the status of India को उनको ऊंचे लाए हुए हैं। और इंडिया में हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और we wish the Mr. Prime Minister of India Narendra Bhai Modi all the best on this visit, and we will try to come if we can to see him. तो भारत के बारे में अभी भी और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको? हमको भारत के बारे में बहुत अच्छा लगता है। हम 1 या 2 साल में इंडिया की विजिट करते हैं। वी गो शॉर्ट टाइम 2-3 वीक्स विद। हमको इंडिया जाने का अच्छा लगता है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, चीजें मिल रही है, हमारे बच्चे को अच्छा लगता है। So everything is moving in the right direction. अमेरिका में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कुछ मुस्लिम्स जो है वो ठीक नहीं है, उनके वो लोग अच्छे सुरक्षित नहीं है, आपको क्या लगता है? हमको ऐसा तो कुछ नहीं लगता। इंडिया इज अ बिग कंट्री है, 1.4 बिलियन पीपल है, कुछ इधर उधर होता रहता है, बट हमारा पर्सनल और हमारा ओवरऑल ओपिनियन है कि थिंग्स आर ओके, दे आर you know going in the right direction. Humko kuch aisa nahi lagta. I think things are going good. Hum Gujarat se hain, we are you know
सब पीसफुल रहता है वहाँ, हम जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होती। वी हैव विद अस मिस्टर पैट्रिक हु इज एन अमेरिकन रेजिडेंट। मिस्टर पैट्रिक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू यूएस? वेल, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, स्पेशली विद द इंडिया चाइना रिलेशंस एंड मोर इंपॉर्टेंटली फॉर अस द इंडिया यूएस रिलेशंस। सो वी आर प्रेइंग फॉर अ सक्सेसफुल विजिट, वी आर प्रेइंग फॉर सम कोऑपरेशन both in trade, in relations and logistics, and peace. What do you think about India-U.S. relationship? Well, I mean, you know, it's critical. It's critical for world relationships. It's critical for commerce, trade, and really peace. So I keep saying that peace, it's very important. So we're praying for all of our leaders. Do you think India and America will work together for prosperous and peace of the world? Absolutely. I think there's no other choice. So I think it starts with us, you know, one brother and sister to another, smiling, making critical questions. And, you know, in our country, we can use our voice to and vote to make a change. So, again, we're staying positive for y'all and us. गौरव शाह बोस्टन के रहने वाले हैं और आईटी प्रोफेशनल हैं। गौरव, कैसे देखते हैं आप इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को और पीएम नरेंद्र मोदी की इस विजिट को? बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं, और यूएस इंडिया रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है डिस्पाइट व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट वेरी गुड रिलेशनशिप एंड वी आर फोर्थ और फिफ्थ largest economy in the world, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हाउ डू यू सी नरेंद्र मोदी रिजीम इन लास्ट 9 years? वेरी वेरी पावरफुल, बहुत ही अच्छे बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, लेकिन कोविड के दौरान बहुत अच्छा नाम भी हुआ है हमारे इंडिया का। छोटी छोटी कंट्रीज को भी हमने किसी भी प्रेशर के बिना, किसी भी एक्सपेक्टेशंस के बिना हमने बहुत सारी मदद की है, वो दैट इज़ वेरी फॉर्चुनेट वो कंट्रीज के लिए, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मोदी जी कमिंग हियर। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर मेरे पीछे आप अमेरिका के साथ साथ भारत का तिरंगा झंडा भी फहराते हुए बखूबी देख सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की धरती पर होंगे तो वॉशिंगटन डीसी से मैं उनके इस दौरे की पल पल की खबर दूंगा सिर्फ डीडी न्यूज पर। और फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ब्रेक के बाद भी ये खबरें जारी रहेंगी। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार, कर योग तो रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छुमन तरह जाए, योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां बेहद जोर शोर से चल रही हैं। यहां पर प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण में भाग लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले उनके स्वागत के लिए वहां पर तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं, और इसी कड़ी में अमेरिका की वर्जीनिया में भारतीय मूल की लड़कियां कुचिपुड़ी नृत्य का अभ्यास कर रही हैं। और आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र की अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर एक विशेष रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, वो देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं विलार्ड इंटरनेशनल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रवास करने वाले हैं अमेरिका में स्टेट विजिट के दौरान, और ये जगह
मेरे सामने कैपिटल हिल और मेरे पीछे व्हाइट हाउस के बिल्कुल बीच में है और सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और यहाँ की जो सीक्रेट सर्विस है और हमारी भारत की सीक्रेट सर्विस के ड्रिल्स लगातार जारी हैं। मेरे पीछे आप कैपिटल हिल देख रहे हैं। 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कैपिटल हिल को संबोधित किया था, संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी आतंकवाद की, डेमोक्रेसी की और दुनिया के सामने चैलेंजेस की। लेकिन इस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी दोबारा कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए इतिहास बनाएंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वो भारत की प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखेंगे। अमेरिकी संसद के बहाने ही सही लेकिन दुनिया के जो तमाम इश्यूज हैं उनको छूने की कोशिश करेंगे। G20 की प्रेसिडेंसी का मुद्दा आएगा और सबसे बड़ी बात कि पूरे जियोपॉलिटिकल इक्वेशन में भारत और अमेरिका के संबंध और कैसे बेहतर हो सकते हैं उसको लेकर के वॉशिंगटन की निगाहें ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस के एड्रेस पर टिकी हुई हैं और जरूर ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, DD News, Washington DC। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय समुदाय खासा उत्साहित नजर आ रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों के लोग अमेरिका में रह रहे हैं और सभी लोगों ने अपनी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी भाषा में किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय समुदाय कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी हजुर को सरकार को यो अमेरिका देश में स्वागत छ। म राज्य लक्ष्मी म काशी को तर म नेपाल मा पनि छु अमेरिका मा पनि छु। हजुर को यहाँ स्वागत छ। अत्यधिक लालायित भएर हामी हजुर को विनती छ, वी विल मीट यू। अरे मारो वालो मोदी साहेब जारे अमेरिका मा आवे छे दिल ती हूँ हमनु स्वागत करू। ಇದು ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳನ್ನ. ಸೊ ಮೋದಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಗೋ ಮೋದಿ. ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್, ತಮೆ ಅತ್ಯಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾನೀ ಧರ್ತಿ ಪರ ಆವಿ ರಹ್ಯಾ ಛೋ. ಅಮೆ ಖೂಬ ಜ ಆನಂದ ಥಿ NRIO ತಮನೆ ವಧಾವಿ ರಹ್ಯಾ ಛೀಯೆ. ವಿಶ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ 2024 ಆಪಣೆ ಜೀತಿನೆ ಬದ್ದಾನಾ ಜ ಮೋಡಾ ಬಂದ್ ಕರ್ ದೈಸು ಆಕಾ ರಾಜ್ಯಮಾ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಮೋದಿಜಿ. ಮೋದಿಯವರಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವರು 2024 ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಮೋದಿಯವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, तुमचे अमेरिकात मनपूर्व स्वागत. अमेरिका स्वर परस्व भारत भारती बंधू भगिनी तरफ मानपूर्वक शुभेच्छा. थैंक यू. ఇక్కడ మేము ఇక్కడ ఎడిసన్ న్యూజెర్సీలో మన వెల్కమ్ చేసడానికి స్టార్ట్ అయినాము. టైమ్స్ స్క్వేర్కి వెళ్తున్నాము. అయితే మన మోదీ గారిని ఇక్కడ 5 మిలియన్ ఇండియన్ డయాస్పరా మనం మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. మీ యొక్క ఇక్కడ ఎంత పాపులర్ అంటే మీ పాపులారిటీ గురించి మేము చెప్పనవసరం లేదు. ఇది రాక్ స్టార్. సో వి వెల్కమ్ యూ, మీ సుస్వాగతం. Welcoming you to this land from my motherland. Modi ji, welcome as we all chant. Modi sahib, Modi ji, welcome to America. We proud of you. Har ek insaan, har dharti pe, mera Bharat ka Hindustan azad hai, yehi meri tamanna hai. Har tam kaam karta hi rahunga. Mananiya Pradhan Mantri Shri Bharat Desh na Narendra Bhai Modi 140 crore na अपना भारत देश नी अंदर आज शांतिना वातावरण थी भारत देश आज बहुज आगर गतिशील थई रह्यो छे. अने नरेंद्र भाई मोदी आज अमेरिका ना प्रवासे आवी रह्या छे तो समग्र NRI परिवार नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर भारत देश नु स्वागत करी छे. मोदी साहेब नु हृदयपूर्वक हूँ स्वागत करू छु. अहीं अमेरिकी संसद में सुनने में आया है કે અમેરિકી સંસદમાં આપણું પ્રવચન છે. અનેક અનેક શુભેચ્છાઓ
2024 માટે શુભેચ્છાઓ. ઇન્દ્રભાઈ મોદી અમારા આજીવન વડાપ્રધાન છે, તેમનું અમેરિકામાં સ્વાગત છે. મોદીજી વાળ અમેરિકાનો ફાધર્સ ડે, વેરી પ્રાઉડ. મોદીજી మన అమెరికాకి వస్తున్నారు, ఆయనకి ఆహ్వానం చేయడానికి మేము అందరము థ్యాంక్స్ దొరికెళ్ళి విఆర్ గోయింగ్ టు చీర్ ఫర్ హిమ్ టు కమ్ టు యుఎస్. థ్యాంక్ యూ. ఆప్ మోదీజీ ఆప్నే ఇండియన్స్ కో నా కి సిర్ఫ్ ఇండియా మే బల్కి విదేశో మే ఏక్ ప్రౌడ్ ఫీల్ కరవాయా హై, ఔర్ ఆప్ జో కామ్ కర్ రహే హై ఉస్కో కర్తే రహియే. హమ్ ఆప్కే సాథ్ హై, ఔర్ आशा है कि आप लंबे समय तक इंडिया की प्रगति की तरफ ले जाएंगे. आपका अगेन स्वागत है, धन्यवाद. मोदी जी आपका अमेरिका में बहुत बहुत स्वागत है. वी आर वेरी लकी कि वी आर एन इंडियंस. वी यू प्राउड अस, वी विल प्राउड ऑफ यू. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू टू. मोदी जी तब काम करने वाले को धीरे धीरे काम करने वाला था, वो काम करते ही कर सब जाना लाइक उन्नति कराउनु होस. मोदी साहेब आपलं स्वागत. आम्ही आता न्यूयॉर्क सिटीला जात आहोत आपल्याला वेलकम करायला, आणि हा पूर्ण येणार आहे समुदाय जो की सर्व प्रदेशातून आलेला आहे. आपल्या आगमनासाठी आम्ही सज्ज आहोत, धन्यवाद. तो देखा आपने, ये भाव है, ये जज्बा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो अमेरिका में बसे हुए हैं, वहां रह रहे हैं, वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं. यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी. आप देखते रहिए डीडी न्यूज. पापा, पापा क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है. वाओ पापा. अरे बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है. पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी. करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है. योगा ही जीवन का एक आधार. योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है. बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं डीडी न्यूज. आपको बता दें कि भारत दौरे पर आए वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वांग यांग नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे और शहीदों को उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की. जनरल गियांग का दो दिवसीय दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इस दौरान जनरल गियांग अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे. वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आगरा का भी दौरा करेंगे और भारत और वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं. द्विपक्षीय रक्षा संबंध इस साझेदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है. दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में विभिन्न प्रकार की साझेदारी है, जिसमें सेवाएं, सैन्य से सैन्य आदान प्रदान, उच्च स्तरीय यात्राएं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सहयोग, जहाज यात्राएं और द्विपक्षीय अभ्यास शामिल हैं. जून 2022 में रक्षा मंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान 2030 की ओर भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर महत्वपूर्ण व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेजों, संयुक्त दृष्टिकोण स्टेटमेंट्स और एक समझौता ज्ञापन म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके कारण दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के दायरे और पैमाने काफी उसमें वृद्धि हुई है. और अब बात करेंगे मौसम की. चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से राजस्थान में इस वक्त भारी तबाही मची हुई है. फिलहाल राज्य में इस वक्त जगह जगह भारी बारिश हो रही है, लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
आलम यह है कि राज्य में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अजमेर के नेहरू अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर पानी भर गया है, जिससे मरीज और डॉक्टर और तीमारदार सभी परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 12 घंटों में चक्रवात के राजस्थान के पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। और हमारे संवाददाता राधेश्याम शर्मा मौसम विभाग केंद्र जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के ये हालात बने हैं वहां पर, खासतौर पे कल रात तक जिस तरह से तेज बारिश हुई है, कई अस्पतालों में पानी भर गया है, काफी जो है बाढ़ जैसे हालात बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी हुआ है कुछ क्षेत्रों में। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि पहले से ही ये पूर्वानुमान किया गया था, पिछले 24 घंटों में सिरोही, टोंक, राजसमंद, पाली, अजमेर और आसपास के जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा यदि देखें तो पाली डिस्ट्रिक्ट में करीब 380 mm के आसपास में बारिश रिकॉर्ड हुई है 24 घंटों में। तो ये जो डिप्रेशन सिस्टम जो कल यदि देखें तो साउथ राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, आज ये पूर्व दिशा की ओर मूव करके करीब पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तो सबसे खास बात ये है कि जहां पे पिछले दो दिन से अत्यंत भारी बारिश का दौर जारी था, जो जालौर, सिरोही और जो बाड़मेर के इलाके, वहां पे अब बारिश में कमी आएगी तेजी से। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं, विशेष रूप से जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, कोटा संभाग है, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा जिले, इनमें अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे संवाददाता अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन ये निदेशक हैं मौसम विभाग के, उनसे हम बात कर रहे थे। और आपसे सर जानना चाहेंगे कि अभी ये स्थिति कब तक और बनी रहेगी? देखिए अभी जो भारी बारिश का दौर है वो पूर्वी राजस्थान में शिफ्ट हो गया है, और अगले 24 से 36 घंटों तक देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो हिस्से हैं, जो कोटा संभाग के इलाके हैं, बूंदी है, वहीं बारा है और जो सवाई माधोपुर है, ये 4-5 जिले अब केवल रहेंगे जहां पे भारी से अत्यंत भारी बारिश का दौर अभी अगले 24 से 48 घंटों तक कंटिन्यू रहेगा। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, जोधपुर संभाग, वहीं अजमेर और उदयपुर संभाग, इनमें बारिश की जो गतिविधियां हैं वो दोपहर बाद शाम से ही कम होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी इस तमाम अपडेट के लिए। तो ये मौसम विभाग से निदेशक राजस्थान में हमसे जुड़े थे और ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। हमारी संवाददाता मंजू मीना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं राजस्थान से। मीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जल भराव हो गया है, एक तरह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, अस्पतालों में पानी भर गया है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आमजन को? जी सहला, जैसे राधेश्याम जी ने बताया कि जब गुजरात से ये तूफान राजस्थान में प्रवेश किया था तो इसने बाड़मेर, जालौर और सिरोही जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमने पहले दिन देखे थे। उसके बाद में हमने देखा कि पाली और राजसमंद जो है वहाँ पर काफ़ी जो है इसकी वजह से परेशानियाँ लोगों को उठानी पड़ रही हैं। पाली के अंदर कल नेशनल हाईवे जो है वो काफ़ी देर तक के लिए बंद हो गया था, वहाँ पर जल भराव की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और इसके अलावा काफ़ी जगह हमने देखा है कि जो बांध हैं उनके अंदर ओवरफ्लो की सूचना हमें मिली है और उसकी वजह से काफ़ी जो क्षेत्र हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ पे पानी भर गया है। आपने जैसे बताया अस्पताल, तो कई क्षेत्रों में अस्पताल जो है वहाँ पे पानी भरने की वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जो क्षेत्र है वहाँ पर बिजली जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों को जो है आवाजाही की समस्या अगर हम कहें, या फिर बिजली की हो, या काफ़ी अलग तरीके की जो समस्याएँ हैं वो लोगों को इस टाइम उठाने
करानी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से काफी तैयारियां की गई हैं और जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो जो है राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। और आज जो है इसके अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक होते हुए जयपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर का जो क्षेत्र है उसमें इसकी वजह से प्रभाव होने की संभावना है। और जैसा राधेश्याम जी ने बताया कि यहाँ पर भारी से अत्यधिक बारिश की मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाए गए हैं। जी सहला, बिल्कुल मंजू जी, आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे फिर ताज़ा अपडेट्स के लिए आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका ये तमाम इनपुट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तड़के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और इस दौरान दिल्ली में हल्की बारिश हुई है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती भी दिखाई दे रही है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। और वहीं सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश ने राज्य में बुनियादी ढांचे और संपत्ति को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़क संपर्क बाधित हो गया है और घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जहां राजस्थान समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। भीषण गर्मी और लू के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 3 दिनों में ही कई लोगों ने जान गंवाई है। भीषण गर्मी के कारण सैकड़ों लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में लू के असर के कारण लोगों की मौत हुई है तो वहीं राजधानी पटना समेत पूरा बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। नवादा में लू लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। नवादा में 33 मरीजों को नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौसम विभाग ने लू को लेकर चेतावनी जारी की है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दक्षिण बिहार के कुछ एक हिस्सों में लू की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, बिहार, गैंगेटिक, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक लू चलेगी, जिसके बाद 20 से 21 जून से इन इलाकों में लू के घटने की संभावना है। और आपको बता दें, बात करते हैं G20 की खबरों से जुड़ी हुई, तो G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक महाबलीपुरम में आज से शुरू होगी। ये बैठक बुधवार तक जारी रहेगी। इस बैठक में G20 देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि, आमंत्रित प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। इस बैठक में SFWG 2023 कार्य योजना की सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की जाएगी। इससे पहले SFWG की पहली 2 बैठकें गुवाहाटी और उदयपुर में हुई थी। रितेश रंजन हमारे संवाददाता महाबलीपुरम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रितेश, महाबलीपुरम अपने आप में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्व की जगह है और ये स्थान अब गवाह बनने जा रही है G20 के कार्य समूह की इस बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाना है। जी, अभी एक्चुअली सुबह 9:30 बजे G20 की बैठक की शुरुआत हुई है और जैसा कि आपने बताया कि 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं और अभी बैठक में टी ब्रेक हुआ ही है। अभी कुछ टी ब्रेक के बाद ही सारे प्रतिनिधि लोग बाहर आकर के टी ब्रेक का आनंद ले रहे हैं और इसी बीच हमें भी मौका मिला है कि आपसे बात कर सकूं। मैं क्विक आपको एक त्वरित जानकारी देना चाहूंगा कि इस G20 की बैठक में क्या लक्ष्य दिया गया है। एक्चुअली यहाँ G20 की इस बैठक में जलवायु वित्त के लिए जो समय और पर्याप्त संसाधन है जुटाने के लिए तंत्र, क्या तंत्र होना चाहिए, कैसे तंत्र होगा, उस पर विचार किया जाएगा और सतत विकास के लक्ष्यों के लिए वित्त को सक्षम बनाना, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा सतत विकास की दिशा में वित्त पोषण के लिए जो पारिस्थितिक तंत्र होगा उस पर भी पारिस्थितिक तंत्र बनाने की क्षमता पर विचार किया जाएगा और ये सारे जो अभी बैठक में जो भी चर्चाएं होंगी या जो भी रिकमेंडेशन दिए जाएंगे
उसे आने वाले G20 के 3 जुलाई के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर के जो बैठक होने वाली है उसमें इसको प्रस्तुत किया जाएगा। आज के ये जो 3 दिनों की बैठक होने वाली है, आज ये बैठक G20 की आज 19 तारीख को शुरू हुई है और 21 तारीख तक चलेगी, तो 3 दिनों में जो भी इसमें निकलेगा निष्कर्ष या जो भी रिकमेंडेशन आएंगे उसको जो है फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की जो मीटिंग होने वाली है 3 जुलाई को G20 की, उसमें ये प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इस G20 में जो मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात होती है कि कई विशेषज्ञ होते हैं जो कि डेटा जानकारी एक्सपर्ट होते हैं जो पर्यावरण और जलवायु को लेकर के डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो डेटा सिर्फ उनके कक्ष या उनके पुस्तकालय या उनके आसपास के लोगों तक ही या उनके जैसे लोगों तक ही सीमित रह जाता है। ये उन लोगों तक नहीं जा पाता है जो कि पॉलिसी मेकर होते हैं या फिर वैसे लोग जो कि बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें पर्यावरण को लेकर क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल सतत विकास के लिए, वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह से स्थायी वित्त जुटाने के लिए क्या नीतियां अपनाई जानी चाहिए, तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होगी और नीतियां बनाई जाएंगी। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी और G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक के तहत चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक 19 जून से लेकर 22 जून तक 4 दिनों की ये बैठक गोवा में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। गोवा सबसे प्रसिद्ध वैश्विक पर्यटन स्थलों में से एक है और G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक के लिए एकदम सही ग्रैंड फिनाले है। पर्यटन सचिव वी विद्यावती ने गोवा में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, देयर इज नो रीट्रेशन टू से दैट गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड इज परफेक्ट ग्रैंड फिनाले फॉर द टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। गोवा ऑफर्स as you know in a host of experiences including beaches, heritage monuments, ecotourism, lovely landscape and you know very very rich art, heritage and culture. Bharat ki G20 tourism track ke तहत tourism working group 5 interconnected प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम कर रहा है जो green tourism, digitalization, skills, tourism, MSMEs और destination management है। पर्यटन कार्य समूह के 2 प्रमुख deliverables हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वाहन के रूप में पर्यटन के लिए GOA रोड मैप और G20 पर्यटन मंत्रियों की घोषणा। The tourism working group is working on 5 interconnected priority areas: green tourism, digitalization, skills, tourism MSMEs and destination management. Now these priorities are the key building blocks for accelerating the transition of the tourism sector and achieving the targets for the 2030 SDGs. पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्रूज टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म, प्लास्टिक इनिशिएटिव और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण पहलों पर साइड इवेंट्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने G20 टूरिज्म और SDG डैशबोर्ड के आगामी लॉन्च की भी घोषणा की जो UNWTO के सहयोग से विकसित एक अग्रणी पहल है। इसके अलावा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष योग सत्र की योजना बनाई गई है। There is a global tourism plastic initiative and we are also happy to announce that some of the states are signing this. We at the central level through IITTM are signing this initiative so that we remain focused and take steps around it. We also have this International Yoga Day coinciding on during our working group meeting. So on 21st, we will participate in the state level function. All our international delegates will go and participate in the International Yoga Day. राज्य सरकार द्वारा कला और शिल्प बाजारों का आयोजन भी किया गया है। विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि इनका भ्रमण करेंगे जिससे कि स्थानीय हस्तशिल्प और कारीगरी को प्रदर्शित किया जाएगा जो सामुदायिक भागीदारी के महत्व के साथ वोकल फॉर लोकल को मजबूती देगा।
और कर्नाटक के बेंगलुरु में आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का KSR बेंगलुरु से लेकर धारवाड़ के बीच ट्रायल रन हो रहा है। बेंगलुरु से ये ट्रेन आज सुबह 6:45 रवाना हुई और ये दोपहर 2:40 पर धारवाड़ पहुंचेगी। परीक्षण के दौरान ट्रेन यशवंतपुर, दावणगेरे और हुबली में रुकेगी। ये ट्रेन 26 जून से आम जनता के लिए चलाई जाएगी। धारवाड़ से सेमी हाई स्पीड ट्रेन की वापसी यात्रा अपराह्न 1:15 पर शुरू होगी और रात 8:10 पर ये बेंगलुरु पहुंचेगी। मैसूरु चेन्नई के बाद कर्नाटक में ये दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी जो बेंगलुरु और धारवाड़ के बीच चलेगी। और अब खबरें देखेंगे खेल जगत से जुड़ी हुई। आपको बता दें एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय साइकिल चालकों ने 3-3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुरुषों के 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट में विश्वजीत सिंह ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। उन्होंने 4:88.812 का समय निकालकर प्रतियोगिता में 9वां स्थान हासिल किया। तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं की 3000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट में मीनाक्षी ने 6ठा स्थान हासिल किया। साथ साथ उन्होंने 3:50.223 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर 3:42.822 का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं महिलाओं की 3000 मीटर के टीम परस्यूट में भारतीय टीम 6ठे स्थान पर रही। भारतीय टीम ने इस रेस को 4:44.395 में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। तो इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का यह सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।